नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्लास में बैठे बैठे सीने में उठा दर्द, अचानक गिर पड़ा छात्र और हो गई मौत। 18 साल के लड़के की साइलेंट हार्ट अटैक से चली गई जान। सामने आया डराने वाला सीसीटीवी फुटेज। आपको बताते चले, ओप इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक 18 वर्षीय छात्र की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। छात्र का नाम राजा लोधी था और वह सागर जिले का रहने वाला था। वह इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें छात्र बाकी साथियों के साथ कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा है और वह अचानक अपनी मेज पर ही गिर जाता है। आपको बताते चले, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये घटना बुधवार 17 जनवरी 2024 की है। राजा लोधी को कोचिंग क्लास में बैठे बैठे अचानक सीने में दर्द उठा और बेसुध होकर गिर पड़ा। उसे सहपाठी ने तुरंत संभाला और दोबारा बैठने लगा, लेकिन बेसुध होकर जमीन पर ही गिर पड़ा। इस घटना से तुरंत भगदड़ मच गई। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बताते चले, राजा के गिरने और अस्पताल पहुंचने में महज 7 मिनट का समय लगा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यह घटना इंदौर के माधव कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यूज।